अब जरा इस सवाल को देख लीजिए, ये सवाल आप कितने सेकंड के अंदर कर सकते हैं, जरा इसको आप एब्जॉर्ब कीजिए और महसूस करके मुझे बताइए। देखिए यहाँ पर इस तरीके से अर्धवृत्त है और इस तरीके से इसके अंदर चतुर्भुज है, फिर यहाँ पर है इस तरीके से, इधर का कोण 45 डिग्री दिया है और इधर का कोण 65 डिग्री दिया हुआ है, और आपको बताना है इसका वैल्यू बताना है ए बी सी डी, कोण ए सी डी का वैल्यू, एक्स डिग्री का वैल्यू आपको बताना है। ऑप्शन है 30, 20, 25, 45, ऑप्शन है 30, 20, 25, 45, जरा जल्दी से करके बता दीजिए, जल्दी से करके बता दीजिए। आ गया, करेक्ट हुआ, कौन सा ऑप्शन हुआ, ए हुआ कि बी हुआ कि सी हुआ कि डी हुआ, कौन सा हुआ नहीं पता चला। देखो सबसे पहला काम कि आप इसको पहले पता लगा लो कितना है, तो ये तो ऑटोमेटिक पता चल गया कि व्यास द्वारा यहाँ पर बना कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, जब ये 90 है ना बाबू, तो इसको इसको जोड़ लो, 180 में से घटा दो तो ये पता चल जाएगा। तो 90 और 65, 9, 6, 15, 155 हुआ, 155 के बाद कितना बचा, 25 बचा, कितना बचा 25, तो ये हो गया 25 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, जब ये 25 डिग्री हो गया, वैसे भी अरे यार इसको निकालने कोई ज़रूरत नहीं, मैं थोड़ा उल्टा बता रहा हूँ आपको, इसको भी ना बताया जाए, इसको भी ना बताया जाए, सीधे चक्री चतुर्भुज के नाते इस कोण का और इस कोण का योग होगा कितना, 180, 180 में से 65 कम हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 115 बचेगा। अब ये हो गया 115, अब ये तीनों मिला के, ये तीनों कोण मिला के 180 होगा, तो 115 और 45 जोड़ेंगे जब तो हो जाएगा 160, और 160 में से जब, सॉरी 180 में से 160 घटा देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। नहीं समझे क्या, हम थोड़ा उल्टा हो गए, आपको भी उल्टा कर दिए, सीधे सीधे फिर से समझो, ये दोनों 180 होते हैं तो 115 आया, इसको 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 तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 180 में से इन दोनों को घटाएंगे तो ये आएगा 20 डिग्री, पता लगा लेना, घटा लेना, जोड़ लेना। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखो, थोड़ा फास्ट बता दें अगला सवाल। देखिए अगला सवाल कैसा है, काफ़ी खूबसूरत है अगला सवाल, जरा गौर से देखिएगा। इस तरीके का फिगर है, इस तरीके का, देखिए यहाँ पर लिखा है ओ ए बी सी, ये 25, तो ये वाला कितना, एक्स डिग्री कितना, ऑप्शन दिया 25, 50, 75, 9। ऐसा सवाल आपकी परीक्षा के लिए एकदम अनिवार्य रूप से है कि इसको आप तैयार करिए। देखो बेटा, एक ही चाप ए बी के द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या इसको ऐसे घुमा के कहें कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, तो ये 25 है तो ये कितना हो गया, 50 हो गया, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो गया। आप लोग प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो मैं करा रहा हूँ, इसी प्रैक्टिस के आधार पर आप अपने परीक्षा का सवाल भी कर पाओगे, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस के बिना पढ़ाई अधूरी है। यदि आप चाहते हो कि इसी तरीके की वीडियो पा करके पूरा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, एक अच्छा कॉलेज पाना, अच्छा रैंक पाना, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो कोई भी यूट्यूब वाला आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाएगा, सीरियल वाइज नहीं पढ़ाएगा, एक किनारे से ए टू जेड नहीं पढ़ाएगा, लोग बीच बीच में सिर्फ वीडियो डालते हैं चैनल पर और वैसा ही आपको मिल जाता है, जिससे आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाती है। यदि आपको चाहिए, यदि आपको चाहिए 50 चैप्टर, इस तरीके से 50 चैप्टर कम्प्लीट मैथ चाहिए, 24 चैप्टर फिजिक्स चाहिए और 24 चैप्टर केमिस्ट्री चाहिए, और साथ में 2300 क्वेश्चन का पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए, पीडीएफ क्वेश्चन भी रहेगा और उसका सलूशन भी रहेगा, ये सारी चीज़ें यदि आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए और आपकी परीक्षा अच्छे से निकल जाए, आप एक अच्छा रैंक पा सको और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सको, तो इसके लिए क्या करना है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7525 8180 38 पर
POLY पॉली लिख करके व्हाट्सएप करना है। हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे लेकिन थोड़ी सी फीस लेंगे। आप अगर इतनी चीज़ें मार्केट में जाकर पढ़ेंगे किसी कोचिंग सेंटर पर, किसी शहर में या कहीं भी गांव में, तो कोई आपसे 5,000 लेगा इतना सारा चीज़ पढ़ाने का, कोई आपसे 4,000 रुपये लेगा, कोई आपसे 3,000 रुपये लेगा, कोई आपसे 2,000 लेगा। यदि गांव में भी पढ़ोगे इतना सारा पढ़ाने का, आपसे 2,000 तो कम से कम लिया ही जाएगा। तो मैं आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ, ना 5,000 में, ना 4,000 में, ना 3,000 में, ना 2,000 में, मात्र ये सारी चीज़ें हटा दिया जाए तो मात्र मैं आपको 500 रुपये में ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। ये 500 रुपये इतना कम इसलिए रखा गया है कि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी इस फीस को पे करके अपनी पढ़ाई कर सके और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपना भविष्य अच्छा बना सके। तो ये रहा थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी सूचना, मुझे लगा बताना उचित है तो मैंने बताया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, अगले सवाल को देखें। अगला सवाल भी आपके सामने काफ़ी टेढ़े रूप में आ रहा है, अब इसको सीधा करके सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। देखिए टेढ़े रूप में आ रहा है, ऐसा सवाल हमने बताया आपको कई बार लेकिन इस बार भी बताएंगे। ये 115 डिग्री है और ये कोण बताना आपको कितना है, ये क्या है, ये व्यास है, इसका नाम है AC, ठीक है, ACBD। बात समझ में आ रही है, कोण BDC की माप 115 है तो AC भी बताना है, ACB इसका मान बताना है, इसका कितना होगा। तो सीधे सीधे हम चलते हैं, पहले आमने सामने ले लेते हैं, चक्री चतुर्भुज है ये और ये मिला के होगा 180, 180 में से जब ये कम हो जाएगा तो पता चलेगा कि कितना हुआ, 65 हुआ, कितना हुआ ये 65 डिग्री हो गया। अब ये आपको पता है 90 डिग्री क्यों, क्योंकि व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है, तो 90 और 65 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 155। अब 155 180 में से जब घटेगा तो ये वाला पता चल जाएगा। ऑप्शन तो मैंने दिया ही नहीं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है इसका 25, 35, 15, 45। तो 180 में से हम इन दोनों को घटाएंगे 155 को, पता चलेगा कि ये कितना हुआ, ये हुआ 25 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, और कोई प्रॉब्लम है आपको, प्रॉब्लम है तो खुल कर कहिए। अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल नए तरीके का है, अगला सवाल का फिगर बनाता हूँ जल्दी से और फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए फिगर मज़ेदार है, फिगर इसका मज़ेदार है, ऐसे बाहर चला गया, ऐसे यहाँ चला गया, फिगर तो मज़ेदार मैंने बनाया नहीं, गलती हो गई हमसे, आपका टाइम भी ख़राब हो रहा होगा, माफ़ करना। चलो देखिए, ये है 100 डिग्री, ACDB, ACDBO और ये हो गया आपका P। BCD की माप बताना है आपको, BCD बाहर वाले कोण का मान बताना है और कितना कितना ऑप्शन में दिया, 60, 75, 50, 40 60, 75, 50, 40, ठीक है। तो इसमें दो रूल काम करेगा भाई, ये ज्ञात करने के लिए दो रूल। पहला रूल कि इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये होता है, तो पता करो ये कितना है, 100 का ये आधा होगा, ठीक है, 100 का आधा 50, तो समझो ये भी है 50, तो 50 वाला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा रूल, हम यहाँ न जाएं, हम वहाँ न जाएं और ये कोण ही ना दिया रहे, ये ना दिया रहे, ठीक है, ये दिया ही ना रहे, तब किसके बराबर, तब ये होगा कितना, तब इसको कैसे जानोगे, तब आप इसका आधा करो इसको, ठीक है, इसका आधा होगा ये, यानी 100 है ये 50 हो गया, तो आपका ऑप्शन सी वाला सही हो गया, ठीक है ना,
समझ गए। कभी कभी ऐसे आता है सवाल, ऐसे आएगा सीधे चला जाएगा, और ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है बाबू, और ऐसे भी खींच जाएगा, यहाँ दे देगा 30 डिग्री, तब पूछ लेगा ये कितना है। तो देखो ये 30, तो ये भी ऑटोमेटिक 30 होगा, क्योंकि केंद्र से ये त्रिज्या है, त्रिज्या आपस में बराबर होती है, बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती है, तो 30 ये भी हो जाएगा, 30 60, तो ये कितना बचा, 180 में से 60 घटा दो 90 हो गया, तो ये जब 90 हो गया तो 90 का आधा होगा 45। तो ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे, मैं बताऊंगा आगे कि कैसे आएगा, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है बेटा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो आप शेयर जरूर करिएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक भी करिएगा, थैंक यू।